अब मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि टीवी पर इन्होंने बहुत हिट शोज दिए हैं, देवो के देव, महादेव, सिया के राम। तो हिंदी माइथोलॉजी, हमें याद है कि दूरदर्शन के ज़माने में हम महाभारत या रामायण देखा करते थे, उसके बाद काफ़ी समय रहा जब हिंदी टेलीविजन में इस तरह के कोई प्रयोग नहीं हुए, और उसके बाद पिछले 10 सालों में एक बार फिर से हिंदी माइथोलॉजी बहुत बढ़ गया है। तो क्या ये हिंदी के बाजार को देखते हुए ऐसा सोचा गया? जब हम बाजार कहते हैं, अभी नीलेश भाई जो बात कह रहे थे कि बाजार तो हमेशा रहेगा, आप नया एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोगों के लिए कितने तैयार हैं वही महत्वपूर्ण होता है। जब मैं स्टार ज्वाइन किया था मैंने, और उसके पहले मैं एकता के लिए लिख रहा था, तो हिंदी की हीन मानसिकता के अलावा दोयम दर्जे का माध्यम की भी एक मानसिकता है, टेलीविजन को ऐसे भी इडियट बॉक्स बोलते हैं। तो जब मैं एकता के लिए सीरियल कर रहा था तो मुझे लगा इस सास बहू से बाहर की दुनिया हो ही नहीं सकती। संस्कृत का विद्यार्थी था, बिहार में रंगमंच किया था, वहाँ से वापस करने की इच्छा थी, एक्सपेरिमेंट की इच्छा थी। जब स्टार ज्वाइन किया तो एक जो बड़ा सवाल था कि इसके पहले जो माइथोलॉजी हो रही थी वो सागर्स बना रहे थे, वो पुराणों से हे तात वाली भाषा इस्तेमाल की जा रही थी उसके पहले के, और उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोई बड़ा आंदोलन नहीं था। तो जब स्टार में ये अंदर रहते हुए पॉसिबल था, बिकॉज वहाँ एक सहयोग था, कंपनी खड़ी थी। तो महादेव में दो बड़े महत्वपूर्ण चेंज, परिवर्तन हम लोगों ने किए थे, जो मुझे लगता है जो दिखाई पड़ने में शायद उतना प्रबल नहीं हो। एक कि हमने भाषा में उर्दू के शब्द भी, पानी को पानी ही बोला गया, पिता को पिता बोला गया, ये प्रयोग महादेव को अलग करता था दूसरे, पहले जो दूसरे बने हुए माइथोलॉजी। दूसरे की ग्राफिक्स में हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर अचीव करना चाहते थे। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम बाउंड्री पुश नहीं करेंगे, जब तक हम अगर एक बंदा रेडियो पे कहानी कह के दुनिया बदल सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी दुनिया बदल सकता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैं कह रहा हूँ, नीलेश इकलौते उदाहरण है यहाँ जो हिंदी पट्टी के, मैं हिंदी पट्टी से आया हूँ। जैसे आप अगर मनोरंजन कहते हैं, भाषा कहते हैं और बाजार कहते हैं, एक बॉलीवुड उत्तर भारत से आए आदमी को तीनों से जूझना पड़ता है, उसको भाषा से जूझना पड़ता है, क्योंकि अच्छी हिंदी बोलना ही बम्बई में लगता है अच्छा आपको अच्छी हिंदी आती है, बहुत बड़ी बात हुई। जबकि हम मेरे टीवी को हिंदी जीसी कहते हैं, हिंदी जनरल इंटरटेनमेंट। जब मैं स्टार ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ा संकट ये था कि आधे समय मुझे उनको ये कहना पड़ता था कि अगर हम हिंदी सीरियल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा तो हिंदी पढ़नी चाहिए हमको, मिलकर थोड़ी तो हमको बात करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, जनरल एंटरटेनमेंट क्यों? जनरल एंटरटेनमेंट हमको सारा लेना पड़ता है, ये नहीं बता रहा, सारा लेना पड़ता है हिंदी सीरियल वालों के लिए, और एंटरटेनमेंट उन कंपनियों की अपनी समझदारी के लिए। तो मेरा मैं एक ही बात हर बार कहता हूँ, और जो मुझे लगता है कि हम अगर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं, नए प्रयोगों के लिए तैयार हैं, और हम सचमुच बाउंड्री को एक बार पुश करना चाहते हैं, तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फर्क पड़ता है। एक सवाल जो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी अभी हिंदी जानते हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए रोजगार कितना आसान है मनोरंजन जगत में? ये अनिरुद्ध जी से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा हिंदी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए कितने अवसर हैं टीवी इंडस्ट्री में या फिर फिल्मों में? भाषा अपने आप में कोई रोजगार बना सके ऐसी संभावना बहुत कम है। आप क्या काम चुनते हैं और भाषा की भूमिका उसमें कितनी बड़ी है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मतलब एक बंदा कहानी लिखना चाहता है तो भाषा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा टूल है। अगर कोई गीत लिखना चाहता है, दूसरा अभी जो माहौल है, मुझे लगता है कि दुनिया के सारे काम कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग से जुड़ते जा रहे हैं, हर बात को अभिव्यक्त करने के लिए। और मैंने बाबा कारण जी के साथ, कारण जी थिएटर के बहुत बड़े मतलब बुरोधा पुरुष थे, उनके साथ उन्होंने एक बात कही थी कि भाषा और रंगमंच दोनों क्षेत्रीय होते हैं। आप अपनी और बाजार जो है क्षेत्र
में सिकड़, उनको एक खास तरह की जगह, खास तरह का मार्केट चाहिए होता है। तो अगर आप उस क्षेत्र और उस क्षेत्र की भाषा से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो शायद आप रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है कि भाषा आपको कहाँ ले जाती है, ये निर्भर करता है कि आप चुनते क्या है, क्या काम आपने चुना है। बेसिकली यहाँ पे सवाल ये है कि क्या रोजगार के मकसद से हिंदी भाषी होना एक अच्छी बात है या नहीं, तो मैं इंडस्ट्री के बारे में ही कह सकती हूँ कि हाँ आजकल बहुत ज़रूरत पड़ती है, लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी हिंदी बहुत अच्छी है इसको बुलाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चीज़ होती है भाषा, एक चीज़ होती है अदब, दोनों का मिश्रण होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक जिसने आपको किस तरह से कोई बात कहनी है वो नहीं आता तो बेकार है। तो लोग अच्छे लोगों में उठे बैठे, और सबसे बड़ी बात है कि लिटरेचर से जब इंसान कट जाता है तो वो बेकार हो जाता है। हिंदी में ही सही, लेकिन अच्छा हिंदी लिटरेचर पढ़ें, अच्छे हिंदी भाषी लोगों में उठे बैठें, अच्छे प्लेस देखें, अच्छी किताबें, हिंदी किताबें पढ़ें, और फिर उसका उच्चारण कैसे करना है। एक मैं फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बोल रही हूँ कि मतलब आपके लफ्ज़ क्या हैं, मूर्ख है कह रहे हैं आप या उसको बदबख्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप उसको एक सेंटेंस में पिरोएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए अब वही फर्क है कि अगर डिक्शनरी लेके सबको चलना होता तो बात अलग थी, लेकिन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है वो बात अलग है। तो अपने ऊपर काम करें एज अ ह्यूमन रिसोर्स, आप किस तरह के व्यक्तित्व बनेंगे ये डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में कितना कमाएंगे, किन लोगों की पत्नी में नजर आना जरूरी है, लेकिन इसके और भी आयाम है जिन पर भी काम। हाँ, मतलब अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। हिंदी एक भाषा के तौर पे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, कौन बोल रहा है हिंदी, किस तरह से बोल रहा है, उसकी भाषा में क्या उसकी बहुत बड़े नॉलेज बैंक का जिक्र आ रहा है, क्या पता लग रहा है कि ये लड़का पढ़ लिख के बात कर रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि वो बोल। ये सवाल जो एक जो ऑनलाइन माध्यम है इंटरनेट पर, अब जर्नलिज्म भी वहीं नए आयाम आ रहे हैं, नए चीज़ें खुल रही हैं, एंटरटेनमेंट भी अमेजोन नेटफ्लिक्स, तो इस तरह की जो माध्यम है उनमें हिंदी जानना भी क्या कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी? अनिरुद्ध जी आप बताएं। निश्चित रूप से आप देखें, नेटफ्लिक्स के आने के बाद भारत को पता चला कि स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ नार्कोस। तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रभाव है, हम बड़ी कहानियाँ अच्छी कहानियाँ कहेंगे तो वो हिंदी का प्रभाव अपने आप बड़ा करेंगे। मैं मानता हूँ कि वो मुद्दा है कि भाषा किसके लिए, क्या कबीर की भाषा बाजार की भाषा नहीं थी, इंटेंट था खुदा तक पहुँचने के लिए, क्या भारतेंदु की भाषा बाजार की भाषा नहीं थी, गालिब की भाषा बाजार की भाषा नहीं थी, लोग दाम लगाते थे, फकीर गाते थे। तो हमको मेरे लिए मुद्दा ये है कि आप करना क्या चाहते हैं भाषा के साथ। अगर आप भाषा के साथ किसी इंटेंट से जुड़ के आगे बढ़ के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या जीवन में भाषा को कहने का माध्यम, अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो जरूर बड़ी सफलता मिलेगी। और वेब अब जैसे कि यहाँ बात तो हो ही रही है कि दुनिया ग्लोबल देसी हो चुका है, ग्लोबल होगा, और एक देसी आपका देसीपन ही आपकी पहचान बनाएगा, तो संभावनाएं अनंत हैं। मेरा मानना है कि हम नई तरह की कहानियां, नई बातें कहना चाहते हैं। बिल्कुल।